News 18, India. तो देखिए, सरकार साफ तौर पर कह रही है कि बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं और बातचीत से ही आगे का रास्ता तय होगा। उधर भारतीय किसान यूनियन ने आज पंजाब के किसानों के समर्थन में हाईवे जाम का ऐलान कर दिया है। खनौरी बॉर्डर पर एक प्रदर्शनकारी की मौत के बाद भारतीय किसान यूनियन ने यह बड़ा फैसला किया है। भारतीय किसान यूनियन के गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक हाईवे को जाम किया जाएगा। अभी हमारी जूम मीटिंग हुई थी और फैसला लिया है कि कल जो है वो पुतला फूकने का प्रोग्राम रद्द करके कल का 2 घंटे का रोड जाम का प्रोग्राम है और सभी जिले अपनी अपनी जगह पे एक एक जगह जिले में रोड जाम करेंगे 2 घंटे के लिए 12 बजे से 2 बजे तक। तो किसान रोड जाम की बात कर रहे हैं। उधर हरियाणा पुलिस ने एक बहुत बड़ा दावा किया और कहा कि दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने पराली में मिर्च पाउडर डालकर पुलिस का घेराव कल किया था। पुलिस यहां तक दावा कर रही है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला करने के लिए पथराव के साथ साथ लाठी और धारदार हथियार का इस्तेमाल किया और इस पूरे हमले में 12 पुलिसकर्मी हैं जो गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों द्वारा दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर पुलिसकर्मियों को घेरकर पुलिस नाके के आसपास भारी मात्रा में पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी गई और पुलिसकर्मियों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा भारी पथराव तथा लाठी गंडासे से भी हमला किया गया। इस हमले में लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इस जहरीले धुएं के कारण नाके के आसपास के क्षेत्र में पुलिसकर्मियों को सांस लेने में दिक्कत हुई और दिखने में भी भारी परेशानी का सामना हुआ। तो दाता खनौरी बॉर्डर पर आपने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से टकराव कल हुआ है। उधर किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा के चौहाना बॉर्डर पर तैनात हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर विजय कुमार की मौत हो गई है। ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इस आंदोलन में अब तक 3 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इंस्पेक्टर विजय कुमार की मौत का यहां पर दावा किया जा रहा है, बताया जा रहा है तबीयत खराब होने की वजह से सब इंस्पेक्टर विजय कुमार की मौत हो गई। हरियाणा के टोहाना बॉर्डर पर इनकी तैनाती थी। ऐसे प्रदर्शन के दौरान अक्सर हमने देखा है कि अफवाह बहुत तेजी से इंटरनेट के जरिए फैलती है और इसीलिए हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद की जो समय सीमा है एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। हरियाणा के 7 जिले जिनमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा, जहां इंटरनेट की सेवा 23 फरवरी रात 12 बजे तक के लिए बंद रहेगी, इन 7 जिलों में इंटरनेट की सेवा बंद करी गई है क्योंकि ये सभी 7 जिले उस इलाके से बेहद नजदीक हैं जहां ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है। और जब भी आप चंडीगढ़ की तरफ जब मूव करेंगे तो ये सभी जिले उसी हाईवे के आसपास आपको मिलेंगे, इसीलिए एहतियाती तौर पर प्रशासन ने इंटरनेट यहां बंद किया है ताकि किसी भी तरीके की अफवाह न फैल पाए। तो प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अब तक प्रदर्शनकारियों के दिल्ली कूच को लेकर क्या कुछ हुआ है। प्रदर्शनकारियों का दिल्ली कूच 2 दिन तक टाल दिया गया है। खनौरी बॉर्डर पर जानकारी मिल पा रही है कि इस बीच 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। खनौरी बॉर्डर पर एक प्रदर्शनकारी की मौत का दावा किसान संगठनों की तरफ से किया जा रहा है। टोहाना बॉर्डर पर एक सब इंस्पेक्टर की भी मौत हो गई, ड्यूटी के दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई। आंदोलन में अब तक 3 पुलिस वालों की मौत की खबर सामने आई है। इस बीच आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन ने 2 घंटे हाईवे जैम का भी आज ऐलान किया है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत भी बिगड़ी है, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। आंदोलन की समुचित तस्वीर में जिस सियासतदान को जो अपने अनुसार मिल रहा है वो उस पर सियासत कर रहा है। एक किसान की मौत हुई, इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि पंजाब के नौजवान शुभकरण की मौत बेहद दुखदाई है। क्या इसी दिन के लिए हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी कि एक दिन अपने ही देश में हमारे द्वारा चुनी हुई सरकारें हमारे ही बेटों को अंग्रेजों की तरह शहीद कर देगी? हम पूरी तरह शुभकरण के साथ हैं, उनके कातिलों को कड़ी सजा दिलवाएंगे। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से ट्वीट किया गया। यहां ये ध्यान रखना होगा कि पंजाब, जहां से किसान मूव करके सबसे पहले आते हैं,
वहां पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार, यही टकराव की स्थिति पैदा हुई थी कि पंजाब से तो इनको आने दिया गया लेकिन जैसे ही हरियाणा बॉर्डर के पास पहुंचते हैं वहां इनको रोक दिया गया। और इसीलिए जो पंजाब के डीजीपी थे उनको भी नोटिस जारी किया गया था कि आप बताइए कि आप कैसी तैयारियां कर रहे हैं, क्यों वहां से जो लगातार बड़ी बड़ी मशीनों के साथ किसान आ रहे हैं उनको नहीं रोका जा रहा है। कल एक किसान की जान चली जाती है जिस पर अरविंद केजरीवाल का यह हमला करते हुए ट्वीट बीजेपी पर। तो अन्नदाता पर अपनी अपनी सियासत यहां पर हावी है। किसानों के आंदोलन पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी जंग यहां पर शुरू हो गई। बीजेपी जहां पर प्रदर्शनकारियों को भड़काने का आरोप लगा रही है तो आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि किसानों के साथ वो खड़े हुए हैं लेकिन बीजेपी लगातार हमला कर। जो सारी शक्तियां ने वो तो केंद्र सरकार को दिल्ली दिया, वो अगे कोई स्टेडियम या कोई रामलीला ग्राउंड उन्होंने दे देंगे, उत्थे बह के प्रदर्शन करते शांतिपूर्वक प्रदर्शन उन्होंने, उन्होंने मंगा बारे विचार वटांदरा होंगे। 22 जनवरी 2021 तो लैके अज तक कुछ नहीं होया। लास्ट मीटिंग 22 जनवरी 2021 हुई है किसानों, जे कि इन्होंने 3 साल के कोई गलबात की होंगी शायद ये मसला अच्छ पैदा ही ना हों। सो मैं बहुत दुख है कि मेरे राज दा एक 21 साल का नौजवान शुभकर्ण अज इस दुनिया च नहीं रहा। ये किसान नहीं है, ये भाड़े पर आतंकवादी संगठनों के माध्यम से चलाए हुए कुछ लोग हैं। किसानों के पास एयर कंडीशन ट्रोला में कमरे नहीं होते हैं, किसानों के पास ड्रोन नहीं होते हैं, किसानों के पास टायरों को सेफ्टी देने के लिए JCB वगैरह नहीं होती हैं, किसानों के पास ट्रैक्टर नहीं होते हैं। ट्रैक्टर 1.5 एकड़ का, 2 एकड़ का, 2.5 एकड़ का, 3 एकड़ का, ऐसा किसान देश में 80% है। ये 200 एकड़, 400 एकड़ वाले लोग, ये खालिस्तान समर्थित जो संगठन हैं उनसे फंडेड और कांग्रेस से फंडेड लोग हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संदेश खाली पर ट्वीट नहीं करती हैं, लेकिन आंदोलनकारी की मौत हुई उस पर वो ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना जरूर साधती हैं और लिखती हैं कि सभी युगों में जमींदारों ने हमेशा गरीबों पर अत्याचार किया है, उन्हें क्रूर बल के अधीन कर दिया है, लेकिन इससे पहले कभी भी किसी चुनी हुई सरकार ने अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे निर्दोष किसानों को नहीं मारा। 10 सालों तक हमारे किसानों से झूठ बोलने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने के बाद बीजेपी सरकार अब उन्हें बेदर्दी से मार रही है। तो एक तरफ किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इस बीच गन्ना किसानों को मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ी सौगात दी गई है। केंद्र की कैबिनेट ने गन्ना खरीद की कीमत में 8% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने गन्ना खरीद की कीमत को 315 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दे दी है। इस तरह गन्ने की कीमत 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई है, यानी सीधे तौर पर देश के लगभग 5 करोड़ किसानों को इसका सीधा फायदा होगा। नया सीजन अक्टूबर से शुरू होना है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने की खेती होती है और ऐसे में ये बड़ा फैसला केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से अहम फैसला लिया गया है। एक तरफ जब प्रदर्शनकारी किसान जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और वर्ष 2024-25 के लिए 340 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किए जाने का निर्णय किया गया है। पिछले वर्ष यानी कि 2023-24 में FRP जो था, जो इसकी उचित मूल्य था, वो पिछले साल 315 रुपये था, जो बढ़कर इस साल 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।